भैया बहनों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। हमें 740 प्लस 997 को जोड़ना है, तो ये 1737 हो गया। 796 माइनस 314 करना है, तो ये 482 होगा। 12905 में 2998 को ऐड करना है, ये 15903 होगा। 28292 में से 21496 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6796 होगा। निकटतम दशक सन्निकटन करके इनके आकलन करना है। 440 का दशक सन्निकटन 440 ही होगा। 334 का दशक सन्निकटन 330 होगा। 4317 का दशक सन्निकटन 4320 होगा। उन तीनों को जोड़ेंगे तो 5090 होगा। 208734 माइनस 47599, 208734 का दशक सन्निकटन 208730 होगा। 47599 का दशक सन्निकटन 47600 होगा। उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 161130 होगा। 8325 माइनस 591, 8325 का दशक सन्निकटन 8330 होगा। 591 का दशक सन्निकटन 590 होगा। घटाते हैं तो 7740 होगा। 489348 माइनस 48365, 489348 का दशक सन्निकटन 489350 होगा। 48365 का दशक सन्निकटन 48370 होगा। घटाते हैं तो 440980 होगा। व्यापक नियमों का प्रयोग करके इनका आकलन करना है। 578 गुणा 161, तो 578 का 100 तक सन्निकटन किया तो 600 होगा। 161 का 10 तक सन्निकटन किया 160 होगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 96000 होगा। 5281 गुणा 3491, 5281 का 1000 तक सन्निकटन 5000 होगा। 3991 का 100 तक सन्निकटन 3500 होगा। दोनों की मल्टीप्लाई करी 1,75,00,000 होगा। 1291 गुणा 592, 1291 का 100 तक सन्निकटन 1300 होगा। 592 का 100 तक सन्निकटन 600 होगा। तो ये हमारा सात लाख 80,000 होगा। 9250 गुणा 29, 9250 का 1000 तक सन्निकटन 9000 होगा। 29 का 10 तक सन्निकटन 30 होगा, और ये होगा 270,000। भैया बहनों आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।